नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। आज मैंने जब जैसे ही प्रभात खबर जो पेपर है वो उठाया, इसका फ्रंट जो स्टोरी देख के है मेरा होश उड़ गया और मैं सोचने लगा कि बिहार में जहां सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, फिर से और भी सुरक्षा और सुशासन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 52 पदों पर नौकरी के लिए निकाल दिया गया फर्जी विज्ञापन। आप देख लीजिए कि बिहार में जो अपराधी छवि के लोग हैं या शरारती तत्व हैं या फिर लूटने वाले गैंग जो हैं, फर्जीवाड़ा करने वाले जो गैंग हैं, उनका हिम्मत कितना बढ़ चुका है कि वो ग्रामीण विकास विभाग में 5,252 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं और 21 नवंबर से ये खेल चल रहा है। 21 दिसंबर तक अंतिम तिथि था इसमें फॉर्म फिलअप करने का। जनरल कैंडिडेट से 450 रुपये लिए जा रहा है और वो भी जो है यूपीआई के माध्यम से उसका भुगतान कराया जा रहा है, जबकि चालान या फिर जो ऑनलाइन जो ट्रांसफर होता है पैसा उसके माध्यम से नहीं किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो फर्जीवाड़ा का खेल है कितना अपना पैर जमा चुका है और कितना वो मजबूत हो चुका है कि वो इतना हिमाकत कर रहा है कि वो सरकारी जो डिपार्टमेंट है उसके तरफ से औपचारिक फॉर्म जो है वो जारी किया जाता है फर्जी वेबसाइट बना के और छात्रों को लूटने का प्रयास किया जाता है। जबकि पता है कि बिहार में रोजगार जो है काफ़ी अहम मुद्दा है, विधानसभा चुनाव का अहम मुद्दा बन के निकला रोजगार, बेरोजगारी और छात्र जो है यहाँ के अभ्यर्थी जो है वो नौकरी पाने के लिए काफ़ी ललायित रहते हैं, वो सीधे रास्ते नहीं तो दूसरे रास्ते भी नौकरी लेने का प्रयास करते हैं। और देखिए इसमें कि 5,200 जो 52 पद है उसमें सहायक अधिकारी के लिए 177, लेखपाल के लिए 350, अभिलेख लिपिक के लिए 1767, पंचायत सचिव के लिए 1258 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1700 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था और इसका ग्रेड पे भी दिया गया था 5,200 से लेकर 20,200 रुपये वेतनमान और 2,800 से 1,800 के ग्रेड पे की जानकारी विज्ञापन में दी गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग ने है इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है और उनका कहना है कि ऐसी शिकायतें उनके पास आ रही है और वो कार्रवाई करेंगे इस पर जो भी ये फर्जीवाड़े का खेल खेल रहे हैं। और जब इसकी जांच की गई, जब हमने भी ये वेबसाइट जो कि दिया हुआ था www.brdbihar.org.in पे, तो ये अब साइट बंद कर दिया गया है और जो पेपर में खबरें दी गई हैं कि यह वेबसाइट इसी साल 9 सितंबर को बनाई गई जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है और इसके साथ ही साथ इसे फागू चौहान को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बताया गया है। 4 पन्नों का ये वेबसाइट है और इसमें अप्लाई करने के अलावा कोई भी लिंक नहीं खुलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर बिहार में इतना बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो जा रहा है, कैसे आखिर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार जो है और नौकरी के क्षेत्र में इतना फेलियर कैसे हो सकती है। आपको हम पहले कुछ बात बता दें, इसी साल आप सुने होंगे कि विधानसभा के गेट पर एक फर्जी रिजल्ट जारी कर दिया गया, चिपका दिया गया, जो कि सट्टेबाजों और फर्जीवाड़ा करने वाले गैंगों के द्वारा किया गया था ऐसा। और ऐसा हो सकता है कि उन जो भी जिसके नाम होंगे उनसे कोई मोटी रकम ऐठी गई होगी या उनको बेवकूफ बनाया गया होगा। इस तरह लॉकडाउन के दौरान आप हमने भी खबर चलाया था 2600 जो है श्रम संसाधन विभाग में फर्जी भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई जिसमें एप्लीकेशन करने के लिए 500 फी रखा गया था। हजारों छात्रों ने उसमें एप्लीकेशन अपना डाल दिया था, उनके पैसे डूब गए और पैसों के साथ साथ जो एक रणनीति होती है, तैयारी होती है और जो उत्साह होता है वो भी टूट कर आ गया। हालांकि उसका अभी तक जांच नहीं हो पाया है, जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इससे पहले और बता दें तो बिहार स्टेट पावर जो होल्डिंग जो अथॉरिटी है उसमें जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए लगभग 600 पदों के लिए फर्जी वैकेंसी निकाली गई और उसमें भी छात्रों से अप्लाई करवाया गया 5,252 पदों के लिए। ये ग्रामीण विकास विभाग में अभी जो पता चला है। और इसके अलावा आपको बता दें कि फर्जी शिक्षक जो कि बिहार में कितने हजारों की तादाद में है और जब विजिलेंस विभाग ने इनसे मांग किया कि वैसे शिक्षक जो कि आपके नियोजन इकाई में भर्ती हुए हैं उनसे संबंधित कागजात को भेजा जाए, तो ये दलील दी जाती है कि चूहे कुतर जाते हैं। 40,000 शिक्षकों के कागजात जो हैं वो विभिन्न नियोजन इकाइयों के पास नहीं है। समझ सकते हैं कि आप कितना बिहार में जो नौकरियों को लेकर एक फर्जीवाड़ा है, एक काला खेल चल रहा है। तो वही आपको बता दें, अभी बिहार सिपाही में जो फिजिकल चल रहा है, इसके अलावा जो बिहार इन्फोर्समेंट है
और सारे बहुत एग्जाम हो रहे हैं, इसमें लगातार जो है मुन्ना भाई और सेटर पकड़े जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक शिक्षा माफिया नाम का एक गैंग उभर गया है, जो कि सेटिंग कराने से लेकर बीएड कॉलेज में एडमिशन कराने से लेकर क्वेश्चन आउट कराना और वायरल करना उसका यही काम है। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो कि बिहार में सुशासन की राज की स्थापना की बात करते हैं, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, आप टॉपर घोटाला देख लीजिए, बीएसएससी घोटाला देख लीजिए, इतने बड़े बड़े माफिया आखिर कहाँ से पैदा हो गए? अगर पैदा हुए भी तो उनको कौन संरक्षण दिया? संरक्षण दिया भी तो जब मामले सामने आए तो उसको खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्यों इतनी यहाँ के जो सेटर है फर्जीवाड़ा करते हैं, उनकी हिम्मत इतना क्यों बढ़ गई है कि वो इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विभागों की वैकेंसी निकालते हैं, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं और छात्रों से एक मोटी रकम ऐंठते हैं और एक तरह से देश विरोधी काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। तो ये काफ़ी अफसोसजनक है और प्रभात खबर का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इसने इतने अहम खबर को अपने हेडलाइन में जगह दी। और वैसे लाखों छात्र जो कि अंतिम समय में फॉर्म फिलअप करके जो लूट सकते थे, ठगे महसूस करते सकते थे, उनको बचाने का प्रयास किया। और बिहार सरकार को भी चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई करे, एसआईटी का गठन करे और जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के सलाखों के अंदर लाया जाए, ताकि शिक्षा और छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की हिमाकत ना कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।